समझिए कि वो भी एक सॉवरेन मुल्क है और कि उनकी भी इज्जत है और एंड दिस विल अल्टीमेटली अफेक्ट अवर इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, फ्यूचर, सेफ्टी, सिक्योरिटी. सो दैट्स वन. वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में मणिशंकर अय्यर और सैम पित्रोदा ने भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी खुशखबरी ला दी है. इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बड़ा सपोर्ट मिला है. मणिशंकर अय्यर, सैम पित्रोदा समय समय पर आकर के कुछ ऐसा बयान कर जाते हैं जिससे भाजपा को लाभ मिलता है. अब सुनिए मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान के बारे में क्या कह रहे हैं और किन बातों का जिक्र करके वो देश को समझा रहे हैं. किसी पागल ने हमारे बम को लाहौर स्टेशन में फूटा तो 8 पल के अंदर उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो अमृतसर पहुंचेगी. ये भी है, इतना पास तो ऐसे बम वगैरह रखकर आप उसको इस्तेमाल करने का रोको. लेकिन यदि आपने उनसे बात की, उनको इज्जत अफजाया, तो तभी जाकर वो अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे. लेकिन आपको उनको ठुकरा दिया और बच्चे जैसे कुट्टी कहते रहे तो कोई पागल वहाँ आ जाए, वो बम निकाल ले और फिर क्या होगा. तो हमें समझना चाहिए कि दुनिया का विश्वगुरु बनना हो तो ये ज़रूरी है दिखाने के लिए कि जितना भी तीव्र हो हमारा समस्या पाकिस्तान के साथ, उसका हल निकालने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं. ओके. पिछले 10 साल से सारा मेहनत बंद है. मस्कुलर पॉलिसी काम नहीं करेगी. मस्कुलर पॉलिसी यदि आपके मसल्स हों और उनके मसल्स ना हों. मैंने अभी आपको बता दिया है वो जो हकीकत हम सबको पता है कि मसल्स उनके कहूटा में पड़े हुए हैं. ये भी है. और कहीं गलत फहमी फैल जाए तो तब दिक्कत में पड़ेंगे. अब सुन लेते हैं क्या कहा है सैम पित्रोदा ने, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी लगातार आक्रामक है. हालांकि कांग्रेस ने सैम पित्रोदा को निलंबित कर दिया है, उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है, फिर भी सैम पित्रोदा का मुद्दा अभी भी गर्म है. इस बार के चुनाव में सैम पित्रोदा की बातें काफ़ी महत्वपूर्ण रह गई हैं. भाजपा उसे भुनाने से पीछे नहीं रह पा रही है. आइए सुनाते हैं क्या कहा है एक चैनल को दिए इंटरव्यू में सैम पित्रोदा ने. देयर इज अनदर ग्रुप व्हिच सेज लुक, आवर फाउंडिंग फादर्स फॉट फॉर ब्रिटिश राज, नॉट फॉर हिंदू राष्ट्र बट फॉर अ सेक्युलर नेशन. पाकिस्तान डिसाइडेड टू क्रिएट ए नेशन बेस्ड ऑन रिलीजन and see what happened to them. We are a shining example of democracy in the world. We have survived 70 years, 75 years, in a very happy environment where people could live together, leaving aside few fights here and there. We could hold country together. देखते रहिए पोल टॉक. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.